Hello class. Okay, in this video I'm going to tell you about linear search. The logic I had already told you. Okay, today we will see how can we do the linear search. Okay, you can see here I'm just opening the BlueJay. Just take a class, write the class name. I'm writing, suppose, linear, linear search. Okay, the class name is linear search. Okay, this is your class, and just open it. And what I'm doing here is just remove all the codes, select all, and just delete. After deleting all the codes that is pre-written, we can write our original code. What is that? Just write the first class, and the class name is linear search. After that, PUBLIC, public static void main string args, okay, square bracket, और फिर last में इसको open करते हैं और इसके पहले scanner लगा लेते हैं. scanner अगर हम लगाएंगे तो ऊपर हमें import java.util.star ये लेना पड़ेगा और फिर जा कर के हम यहाँ पर स्कैनर यूज़ कर सकते हैं. स्कैनर का एस कैपिटल होगा. स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में system.in. ओके, हमें लीनियर सर्च करना है. लॉजिक मैंने पहले बताया है. तो लीनियर सर्च के लिए हमें पहले कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, तो सबसे पहले एक एरे बना करके उसमें कुछ नंबर रख लेते हैं. एरे इनपुट और एरे आउटपुट करा लेते हैं, फिर सर्चिंग कराएंगे. और ये ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बताया है. ओके, इंटीजर मैंने ए एक एरे लिया इज़ इक्वल टू न्यू इंटीजर. यहाँ पर मैंने साइज़ ले लिया, सपोज 8 साइज़. बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे को ना, इनपुट भी वो ज़्यादा करना पड़ेगा. इंटीजर एक लूप लिया आई. सबसे पहला काम हम लोग इनपुट करा लेते हैं. तो इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, system.out.println. और मैंने मैसेज दे दिया इनपुट डेटा, इनपुट नंबर लिख देते हैं, इनपुट नंबर इन एरे. ठीक है, ये मैंने कर लिया. और इसके बाद इनपुट कैसे कराते हैं ये भी मैंने बताया है. तो मैंने लिया फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन कितने डेटाज हैं, एरे है 8, आई प्लस प्लस और मेन इनपुट इसी के अंदर होगा. तो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं system.out.println. ओके, तुम लोग चाहो तो बिना प्रिंट एलन के भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रिंट एलन लगा दे रहा हूँ. चलो प्रिंट एलन. यहाँ पे मैसेज दे देते हैं इंटर number, नंबर, और ये मेरा नंबर जाएगा ए के आई में. और ये सबको पता है पहले से ही, sc.next int, क्योंकि इंटीजर पे हम लोग काम कर रहे हैं. ओके, ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरा मेन इनपुट पार्ट है. देख सकते हो तुम लोग, यही मेरा मेन इनपुट है. अब इस इनपुट के बाद पहले एरे को डिस्प्ले कराना है. डिस्प्ले कराने के लिए मैं इसी पार्ट को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मैसेज को बदल देता हूँ. तुम लोग भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो. चलो बड़ा कर देते हैं इसको. ओके, मैंने ये कर दिया और इसका मैसेज थोड़ा सा बस बदल देते हैं. ये रहा, यहाँ इनपुट लिखा है तो मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले
डिस्प्ले एरे, ठीक है, ये मेरा डिस्प्ले एरे हो गया। और डिस्प्ले एरे कैसे कराएंगे? डिस्प्ले एरे कराने के लिए यहाँ पर हम नंबर को डिस्प्ले कराएंगे। कैसे? एक मैसेज दे देते हैं, NUMBER नंबर। देखो एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ कैसे और भी डिस्प्ले करा सकते हो, नंबर और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया प्लस आई, इसमें ऐसे कर लेते हैं प्लस आई प्लस वन, बाहर निकल गया, प्लस आई प्लस वन, ओके। और फिर मैंने दिया प्लस इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इन्वर्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन प्लस, अब हम अपना नंबर दे देते हैं ए का आई, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको समझ लो क्या चीज़ है ये। इससे होगा ये कि जब तुम्हारा डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले एरे, तो डिस्प्ले एरे कैसे आएगा, नंबर और फिर ब्रैकेट में आएगा आई प्लस वन, आई की वैल्यू है ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस वन, यानी यहाँ पे आएगा नंबर वन इज इक्वल टू जो भी नंबर तुम दिए होगे वो आएगा, ठीक है। फिर बोलेगा नंबर टू इज़ इक्वल टू जो भी नंबर दो नंबर पे होगा वो आएगा, ठीक है। इस तरह से उसके पोजीशन के साथ उसका नंबर भी बताएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक नंबर लेना है और उस नंबर में उस नंबर को अपने इस पर्टिकुलर नंबर में एरे में सर्च करना है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये दिखा दूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, ये इतना पार्ट सही है कि गलत है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो कैन नॉट फाइंड सिंबल, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं हटा देता हूँ। कंपाइल किया, यहाँ पे तुम देख सकते हो नो सेंटेक्स एरर, ये नीचे तुम लोगों को दिख रहा है, ओके। फिर इसको क्लोज कर देंगे, राइट क्लिक मेन, ओके। अब यहाँ पर हम इनपुट कराते हैं, चलो मैंने इनपुट कराया 11 22 33 44 55 66 77 88। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इंटर करूँगा क्या होने वाला है, जैसे ही मैंने इंटर किया, अब देखो बोला डिस्प्ले एरे, एरे में क्या दिखा रहा है, नंबर वन इज़ इक्वल टू 11, नंबर टू इज़ इक्वल टू 22, नंबर थ्री इज़ इक्वल टू 33, ऐसे करते हुए सारे नंबर हमारे सामने आ गया। मुझे ऐसे ही नंबर लेके रख लेना है और इसी ग्रुप में से मुझे किसी एक को सर्च करना है, ठीक है। तो अब सर्चिंग का लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए, मैंने बोला इनपुट अ नंबर टू सर्च, देखना मैंने बोला एक नंबर जो जिसको हमें सर्च करना है वो नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए भी हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया इंटीजर की, मैंने बताया था लॉजिक में कि जिसको मुझे सर्च करना है मैंने ले लिया। और इसके अलावा मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी, अभी लूप के लिए आई है, अभी और वेरिएबल की ज़रूरत होगी तो लेंगे, पहले मैं की का इनपुट करा लूँ। तो मैंने बोला की इज़ इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इनपुट हो गया, मतलब ये क्या है, ये वो पार्ट है जो हमें नंबर बताएगा, हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे और उस नंबर में इसी नंबर को इस एरे में हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। इस नंबर को इस एरे में हम लोग सर्च करेंगे, कैसे देखते हैं। तो सर्च करने का लीनियर सर्चिंग का लॉजिक मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है, बस हम अब यहाँ पे लीनियर सर्च लगाएंगे। लीनियर सर्च कहता है कि सारे नंबर से, जितने भी ग्रुप में नंबर हैं, लिस्ट में नंबर हैं, सबसे अपने की को मैच कराओ, जहाँ पर मैच करे वहाँ पर तुरंत हम लोग मतलब अपने की को फाउंड कर लेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम एक बुलियन वैल्यू ले लेते हैं, बुलियन फाउंड इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया फॉल्स, यानी पहली बार मैं ये सपोज़ कर ले रहा हूँ कि मेरा जो की है वो मुझे नहीं मिला, मेरा की फॉल्स है, यानी मुझे की नहीं मिला, ठीक है। अब उसके बाद हम सर्च करेंगे फॉर जितने एलिमेंट हैं सबसे मैच कराएंगे, तो उतने एलिमेंट तक का लूप चलाएंगे। फॉर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एट, एलिमेंट मैंने लिया था आई प्लस प्लस, और फिर मैं थोड़ा इसको नीचे कर दूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे, हाँ
ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा इफ़ जो मेरा की है अगर इक्वल है हमारे एरे के आई से, अगर ऐसा है तो क्या, अगर ऐसा है तो इसका मतलब की मिल गया, तो क्या लिखेंगे, फाउंड इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर हमारा जो की है जिस की को मुझे खोजना है अगर वो मेरे एरे में कहीं पर भी मैच करेगा तो तुरंत हम बोल देंगे कि फाउंड ट्रू है, यानी हमें जिसको हम खोज रहे हैं वो मिल गया। और जब हमें जो चीज़ खोज रहे हैं अगर वो मिल जाता है तो हम क्या कर देते हैं, ब्रेक, नॉर्मली हम उसे ब्रेक कर देंगे। यही होता है ब्रेक का कॉन्सेप्ट, मतलब उसके आगे मुझे अब नहीं खोजना है, मैंने मुझे पहली बार जैसे की मिल जाएगा मैं वहीं पर प्रोसेस को रोक दूंगा, और जब प्रोसेस को रोक देंगे तो अब हम अपने लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लूप के बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप के बाहर आ जाएंगे तो वहाँ पर अपने इस फाउंड वाले पॉइंट को चेक करेंगे, क्या मेरा फाउंड ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब मैच किया होगा, और अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स होगा। तो यही चीज़ चेक कर लेंगे बाहर की तरफ, इफ़ फाउंड इज़ इक्वल टू ट्रू, यानी अगर ट्रू है तो इसका मतलब मैच किया होगा तो मतलब हमारा की मुझे मिल गया होगा, की मिल गया होगा तो मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम मैसेज दे सकते हैं मेरा जो की है की फाउंड एट, अब पोजीशन देना है कि इंडेक्स नंबर देना है वो तुम्हारे ऊपर है, तो मैं पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन की फाउंड एट पोजीशन, अब कहाँ पर मिला, जहाँ पर जिस इंडेक्स पर वो मैच किया होगा, i+1 पर ये मैच किया होगा, उसके जस्ट बाद टर्मिनेट कर देंगे। यानी ये क्या करेगा कि जैसे ही हम की को यहाँ पर मैच कराएंगे, अगर ये मैच किया तो हमारा फाउंड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के बाद ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। अगर बाहर आया तो इस तो हम फाउंड को ही चेक करेंगे, क्योंकि फाउंड में दो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, इसीलिए लूप के बाहर ये चेक कर रहे हैं कि फाउंड में क्या है। इफ़ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है तो हम बोल देंगे की फाउंड एट पोजिशन, किस पोजिशन पे, यानी इंडेक्स नहीं बोल रहे हैं, इंडेक्स बोलेंगे तो केवल आई लिखेंगे, लेकिन हम पोजिशन बोल रहे हैं, पोजिशन हमेशा इंडेक्स प्लस वन होता है। ठीक है, कि किस नंबर पर वो है, तो यहाँ पे बोला i+1 पे होगा, अभी जब हम एग्जांपल इस पे रन कराएंगे तब होगा, अभी दिखाएंगे। एल्स अगर फाउंड में ट्रू नहीं है तो क्या, फाउंड में ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो मिला ही नहीं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया कि जो की है की नॉट फाउंड, की नहीं मिला। ठीक है, ये है, और नीचे हमारा मेन और क्लास तो बंद होगा ही, ये रहा मेन और क्लास, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, वो मैंने तुम लोगों को देखने के लिए इतना बड़ा स्पेस लगा दिया था। ओके, तो ये मेरा एक प्रोग्राम हो गया, ज़रा देखें कंपाइल करते हैं, नो सेंटेक्स एरर आ गया, यानी प्रोग्राम बिल्कुल सही है, सेंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक चेक करने के लिए रन करा लेते हैं, राइट क्लिक मेन एंड देन, ओके वही नंबर ले लेते हैं, ज़रा देखते हैं, चलो 11 इंटर किया, रेंडम लेते हैं, ओके 66 इंटर, 77 इंटर, 22 इंटर, 55 इंटर, 44 इंटर, 33 इंटर, 88 इंटर, ओके अब यहाँ दिखाया 11, 66, 77, 22, 55, 44, 33, 88, ये मेरा नंबर हो गया। अब क्या बोला, इनपुट नंबर टू सर्च, इसी में से जिसको सर्च करना है हम यहाँ पर नंबर इनपुट करेंगे, किसी को भी, ये जरूरी है कि इसमें जो है उसी को, हमें तो अननोन बन के मुझे सर्च करना है कि नहीं यही तो पता लगाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी का नंबर लें। ठीक है, तो मैं पहले इसका एक नंबर लेता हूँ, पहले चलो मैं अननोन नंबर लेता हूँ जो इसमें हो ही ना, चलो मैं नंबर ले लेता हूँ 99। अब जैसे ही 99 ले करके मैं इंटर करूँगा तो ये कंप्यूटर सिस्टम मुझे बताएगा 99 मेरे लिस्ट में है कि नहीं है। इंटर करते हैं, क्या बोला, की नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि इसमें 99 है ही नहीं। ओके, फिर से रन करा के अब फाउंड वाला कोई देख लिया जाए। ओके, इंटर, अब मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 11 इंटर, 55 इंटर, 88 इंटर, 77 इंटर, 33 इंटर, 44 इंटर, 66 इंटर,
और कुछ बचा? अभी कोई और बचा ही है? वन हो गया, टू हो गया, थ्री नहीं लिया, फोर नहीं लिया, फाइव ले लिया, सिक्स भी ले लिया, सेवन, वन, टू टू नहीं लिया, टू टू इंटर, जैसे इंटर करेंगे आ गया, वन वन फाइव फाइव एट एट सेवन सेवन थ्री थ्री फोर फोर सिक्स सिक्स टू टू। अब मुझे पूरा किसको सर्च करना है, क्योंकि ये तो तुम्हें नंबर दिख रहा है इसलिए तुमको तो पता है कि मैं बोलूँगा फोर फोर को सर्च करो, तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो है ही, इसका मतलब तुम्हें दिख रहा है तब ना बता रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब इसको डिस्प्ले कराए हैं तब ये दिख रहा है। मान लो हम अगर ये डिस्प्ले वाला पार्ट नहीं लिखते तब कैसे पता लगाते कि एरे में नंबर है कि नहीं है, ठीक है? इसीलिए हम अननोन एरे किसी लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर नंबर को सर्च करने के लिए लॉजिक लगाते हैं, चाहे वो दिखे या ना दिखे। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ जिसको मुझे सर्च करना है, मैं यहाँ पर चलो फाइव फाइव ही ले लेता हूँ, फोर फोर ले लेता हूँ, तो मैंने फोर फोर ले लिया। अब इंटर करेंगे तो ये बताएगा नंबर है कि नहीं है, अगर है तो किस पोजीशन पे है। इंटर किया तो बोला फोर फोर, तो की फाउंड एट पोजीशन नंबर सिक्स, यहाँ देखो सिक्स पे यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो ये सिक्स पे है भी, ठीक है? तो ये देखने के लिए था, और ये बस नंबर लिया और उस नंबर को पता लगा लिया कि कहाँ पर वो नंबर हमारे लिस्ट में है कि नहीं है। यहाँ तो बस आठ नंबर हैं इसलिए तुम्हें आसानी से ये दिख भी रहा है, पता भी चल रहा है। कई बार सपोज करो तुम्हारे तुम्हें डेटाबेस बना रहे हो जिसमें 1000 नंबर हैं, या सपोज 100 नंबर ही हों, तो कब तक सर्च करोगे? तुम देख भी नहीं सकते हो उसको, देखना भी पड़ा तो तुमको एक एक करके ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हम सर्चिंग लॉजिक लगा लेते हैं, चाहे जितने भी नंबर हों वो तुरंत एक सेकंड में हमें पता करके बता देगा, ठीक है? तो ये है हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या कर रहा है कि एक एक करके सबसे मैच करा रहा है। पहले उसने 4-4 को इससे मैच कराया, नहीं मिला, फिर इससे 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 कराया, मिल गया। तो जैसे ही मिल गया आगे के एलिमेंट को छोड़ के उसने बता दिया कि की मिल चुका है और 6 नंबर पर मिला हुआ है। ऐसे ही 99 जब मैंने सर्च किया था तो कहीं नहीं मिला था तो बोल दिया नॉट फाउंड। इसके लीनियर सर्च का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो एक एक एलिमेंट से एक एक कर सारे एलिमेंट से एक एक करके चेक करता है। मान लो मुझे 22 को सर्च करना होता, 22 को, यहाँ पे देखना, अगर मुझे 22 को सर्च करना होता तो 22 को सर्च करने के लिए मुझे 1 से यहाँ 1-1 चेक करते, 5-5 करते, 8-8 करते, 7-7, 3-3, 4-4, 6-6, तब 2-2 मिलता मुझे। तो बहुत लंबे प्रोसेस में आकर के मुझे चेक कराना पड़ता। इसी यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये टाइम टेकन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सर्च करने में। इसी डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा लॉजिक है जो है बाइनरी सर्च, ठीक है? ओके, तो ये बाइनरी सर्च मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। शायद इस साल के सिलेबस में तुम्हारे ये है भी नहीं बाइनरी सर्च, लेकिन मैं देखता हूँ, अगर सिलेबस में नहीं होगा तो इसको छोड़ के हम लोग अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। और अगर स्कूल रीओपन होता है और मुझे टाइम मिलता है, हम लोगों को टाइम मिलेगा प्रॉपर, तो मैं जो जो चीज़ें तुम्हारे सिलेबस से हटाई गई हैं मैं दोबारा तुम्हें रिपीट भी करा दूँगा। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो। थैंक यू।